आज हम पता लगाएंगे कि प्रपोजिशंस के क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस को टैकल करने से पहले इस वीडियो में हम जानेंगे प्रपोजिशंस के कुछ बेसिक्स। सो लेट्स वी स्टार्ट। अ प्रपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। वो स्टेटमेंट्स जिन्हें हम ट्रू या फॉल्स इवेल्यूएट कर सकते हैं उन्हें हम प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स कहते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज टू वी हैव हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें से हमें पता लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स प्रपोजिशन है और कौन सी स्टेटमेंट प्रपोजिशन नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। 7 + 5 > 14 इट कैन बी इवेल्यूट, हम इसे इवेल्यूएट कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स में। सो दिस इज अ प्रपोजिशन स्टेटमेंट। येस द टेम्परेचर इज वेरी हाई टूडे। दिस स्टेटमेंट इज अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अगर हम इस स्टेटमेंट को इवेल्यूएट करें ट्रू और फॉल्स में तो हम इवेल्यूएट नहीं कर पाएंगे। इवेल्यूएशन ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बेस्ड ऑन और इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल फीलिंग्स। सो दिस इज नॉट अ प्रपोजिशन। मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। वी कैन इवेल्यूएट दिस स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स सो इट इज अ प्रपोजिशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज प्रपोजिशन। वॉट टाइम इज इट, दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट सो दिस इज नॉट अ प्रपोजिशनल स्टेटमेंट। 1 + 1 = 2 वी कैन इवेल्यूएट इट इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। इट इज ट्रू सो येस इट इज अ प्रपोजिशन। हाउ आर यू फीलिंग, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। वी कैन नॉट इवेल्यूएट दिस स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। दिस स्टेटमेंट विल बी डिपेंड on or influenced by personal feelings so this is not a proposition. We use letters to denote propositional statements. Letters in terms of P or Q, R, S. We can use P, Q, R, S or any other variable, any other alphabet to denote these propositional statements. The area of logic that deals with proposition is called propositional logic. जब हम प्रपोजिशनल स्टेटमेंट्स पे स्टडी करते हैं उस लॉजिक को हम कहते हैं प्रपोजिशन लॉजिक। टू कंबाइन वन और मोर ऑपरेशंस वी नीड सम ऑपरेटर्स आल्सो कॉल्ड कनेक्टिव्स। तो एक या एक से ज़्यादा प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टिव्स चाहिए होते हैं, इन्हें हम ऑपरेटर्स भी कहते हैं। दे आर डिफरेंट ऑपरेटर्स इन अवर प्रपोजिशनल लॉजिक। दीज आर 6 ऑपरेटर्स विच वी विल स्टडी। So let assume that P and Q be a proposition statement. We are using P and Q to represent a proposition statement. Okay? So our first operator is negation operator. It is denoted by this symbol also, this also, or this way also. We will study these operators in next video. Next operator is conjunction operator. This is a symbol for denoting the conjunction operator. This operator denotes conjunction. Next operator is disjunction operator. This operator denotes disjunction. Implication operator. P, it means when we will read this statement, we will read like this. P implies Q. This symbol denotes implication. Next operator is biconditional operator. This symbol denotes biconditional operator. And the last one is XOR. XOR is denoted by this operator. So in operators के बारे में हम next video में आगे study करेंगे further. And आगे आने वाली videos में हम देखेंगे propositions के gate के questions और gate और net के questions को कैसे easily solve कर सकते हैं. So that's for today also.